हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में एक सीबीटी की टेक्निक शेयर कर रहा हूं, जिसकी वजह से हम अपने डिप्रेशन को, अपने पैनिक को, अपने फोबिया को, अपने फियर को नॉर्मल कर सकते हैं, 100% ठीक करने में इसकी हेल्प ले सकते हैं, जड़ से ख़त्म करने में इसकी हेल्प ले सकते हैं। मेरे पास अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि सर, हमें 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हमारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पाई, तो इसको हम कैसे ठीक करें। इसमें ये टेक्निक बहुत ज़्यादा काम की। दोस्तों, दरअसल हम लोग एक मिस्टेक कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड नेगेटिव सेल्फ कंपैरिजन। अच्छा, इसका क्या मतलब है समझिएगा, और इसको करेक्ट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारा डिप्रेशन, हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमारी एंजाइटी, हमारा पैनिक, हमारा फोबिया, सब कुछ बना रहता है। दोस्तों, रिट्रोग्रेड का मतलब बैकवर्ड, या हम कह सकते हैं कि पास्ट के साथ। नेगेटिव तो आपको पता ही है, नकारात्मक। सेल्फ, जो हमारा सेंस ऑफ सेल्फ है। तो हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है, जो हमारा प्रेजेंट का सेंस ऑफ सेल्फ है, उसका कंपैरिजन पास्ट के सेंस ऑफ सेल्फ के साथ में। हमारा प्रेजेंट का सेंस ऑफ सेल्फ है, उसका कंपैरिजन पास्ट के सेंस ऑफ सेल्फ के साथ में। किस तरह से? कि सर, पहले मैं बहुत बढ़िया तरीके से काम कर लेता था, अब नहीं कर पाता। सर, मुझे इस चीज़ की गिल्ट फील होती है। सर, पहले मैं बहुत अच्छे से लोगों के सामने बोल देता था, अब नहीं बोल पाता। इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होती है। सर, पहले मैं बहुत अच्छे से काम को कर लेता था, गाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से चला लेता था, मैं एरोप्लेन में बहुत अच्छे से चढ़ जाता था, मैं ट्रेन में बहुत अच्छे से चढ़ जाता था, अब मैं नहीं कर पा रहा। सर, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होती है। मतलब पास्ट के अंदर हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ था वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, प्रेजेंट का जो हमारा सेंस ऑफ सेल्फ है वो कम है। तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो क्या है? नेगेटिव सेल्फ कंपैरिजन, रिट्रोग्रेड नेगेटिव सेल्फ कंपैरिजन। अच्छा, इस तरह के थॉट्स सभी के दिमाग में आते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब आप इस रिट्रोग्रेड नेगेटिव सेल्फ कंपैरिजन के ऊपर क्या कर देते हो? रिएक्ट कर देते हो। जैसे ही आप इसको रिएक्ट करते हो, आपको क्या फील होती है? गिल्ट फील होती है। और ये जो गिल्ट है ना दोस्तों, ये गिल्ट इस रिट्रोग्रेड नेगेटिव सेल्फ कंपैरिजन को और ज्यादा मजबूत बना देती है, ये जो गिल्ट है। क्योंकि गिल्ट फील होते ही हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो डाउन होती है, सेल्फ एस्टीम डाउन होती है तो हमारा जो डिप्रेशन है वो और ज्यादा बढ़ता है, हमारी जो पैनिक है वो और ज्यादा बढ़ता है, हमारी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ती है, हमारा जो ओसीडी है, फोबिया है, ओवरथिंकिंग है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक लूप क्रिएट हो जाता है, कंपैरिजन, थॉट के ऊपर रिएक्ट करना, फिर गिल्ट फील होना, और उसके बाद में हमारी प्रॉब्लम का बढ़ना। तो इस लूप को अगर नहीं ब्रेक किया जाए, इस लूप को अगर नहीं तोड़ा जाए, तो हमारी जो एंजाइटी वो भी ठीक नहीं होती, पैनिक भी ठीक नहीं होता, ओसीडी भी ठीक नहीं होता, डिप्रेशन भी ठीक नहीं होता। तो हम क्या करें यहां पर? यहां पर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर जो रिट्रोग्रेड नेगेटिव सेल्फ कंपैरिजन है, इसकी जगह हमारा होना चाहिए फॉरवर्ड पॉजिटिव सेल्फ कंपैरिजन। जो सीबीटी की टेक्निक है, ये सीबीटी की जो टेक्निक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, फॉरवर्ड पॉजिटिव सेल्फ कंपैरिजन। फॉरवर्ड पॉजिटिव सेल्फ कंपैरिजन का मतलब क्या है? कि दोस्तों, हर दिन जो अपनी लाइफ में हम जो जो चीजें कर रहे हैं, हमारा जो वर्स्ट टू वर्स्ट जो पार्ट है, उसको हमारे प्रेजेंट के साथ में कंपेयर करें। कि मान लीजिए कि आज मेरी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, आज मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, और फिर मैंने आज कुछ ना कुछ काम करना शुरू किया, मैंने कोई वर्क करना स्टार्ट किया, मैंने लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया, भले बहुत थोड़ी सी बात की लेकिन किया। इस चीज को अपने वर्स्ट पार्ट के साथ में कंपेयर करें, इस चीज को अपने वर्स्ट पार्ट के साथ में कंपेयर करें। कि देखो, आज मैंने बहुत अच्छे से लोगों से बात किया, आज मैंने लोगों के साथ में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया। अपना जो खराब पार्ट, पास्ट के अच्छे पार्ट के साथ में नहीं, अपना जो अभी का जो खराब पार्ट है, उसका अपने डे टू डे लाइफ के साथ में कंपैरिजन स्टार्ट करिए। कि अब देखो, मैं कितना अच्छा कर लेता हूँ, मैं लोगों से बातचीत बहुत बढ़िया कर पा रहा हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, मैं लोगों से नॉर्मली इंटरेक्ट हो रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, सब कुछ बेस्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे, भले आप थोड़ा थोड़ा ही कर पा रहे हो, भले आप 100% ना कर पा रहे हो, 1-2% ही कर पा रहे हो, लेकिन 1-2% जीरो से तो ज़्यादा ही है।
तो ये क्या है, पॉजिटिव सेल्फ कंपैरिजन, और ये क्या है, फॉरवर्ड पॉजिटिव सेल्फ कंपैरिजन। आज का जो आपका खराब पार्ट है वहां का स्टेप बनाइए, और उसके बाद जितना अच्छा अच्छा कर रहे हो उसके साथ में इसको कंपेयर करिए, ना कि पास्ट का जो सबसे अच्छा था उसके साथ में कंपेयर करिए। अगर आप उसके साथ में कंपेयर करेंगे तो ये हमारी सेल्फ एस्टीम को डाउन करेगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी जो खुशियां हैं हमारे, जो छोटे छोटे पॉजिटिव है, उसके साथ में कंपेयर करिए, इससे हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक चीज तो ये, फॉरवर्ड पॉजिटिव सेल्फ कंपैरिजन, जो सीबीटी की टेक्निक है। और दूसरा, ये जो आप रिएक्ट कर रहे हो, यहां पे भी सीबीटी की टेक्निक यूज होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन का मतलब आप अभी तक जो कर रहे थे उसको मत करो, पैराडॉक्सिकल मतलब उल्टा, है ना। तो अभी तक आप जो कर रहे थे ना उसको अब आप मत करो, आप रिएक्ट कर रहे थे रिएक्ट मत करो, आप रिएक्ट कर रहे थे रिएक्ट मत करो, जो दिमाग में आ रहा है बस आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पास्ट में अच्छे थे ठीक है आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, ये भी सीबीटी की टेक्निक है जिसको हमें यहां पर यूज करना है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो गिल्ट वाला पार्ट है ये रुकेगा, गिल्ट वाला पार्ट रुकेगा, तो ये वाला जो लूप है वो लूप क्या होगा, ब्रेक होगा। जब लूप ब्रेक होगा तो हमारा रिट्रोग्रेड नेगेटिव सेल्फ कंपैरिजन है वो नहीं होगा। तो एक तो इसको चेंज करना है, किसके साथ में चेंज करना है, फॉरवर्ड पॉजिटिव सेल्फ कंपैरिजन के साथ में। दूसरा, जो रिएक्ट करने वाला पार्ट है यहां पर पैराडॉक्सिकल इंटेंशन यूज करना है, जिससे ये लूप ब्रेक होगा। अगर ये लूप ब्रेक हो जाएगा तो हमारी जो सेल्फ एस्टीम डाउन होना बंद हो जाएगी, सेल्फ एस्टीम डाउन होना बंद होगी तो हमारा जो डिप्रेशन है वो भी ठीक हो जाएगा, हमारा जो पैनिक है वो भी ठीक हो जाएगा, हमारा फोबिया है वो भी ठीक हो जाएगा, हमारी एंजाइटी वो भी ठीक हो जाएगी। ये जो दो टेक्निक्स है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, एक तो फॉरवर्ड मतलब जो भी जीवन में अच्छा अच्छा हो रहा है ना उसको अपने खराब पार्ट के साथ में कंपेयर करना, जो जीवन में अच्छा अच्छा हो रहा है उसको अपने खराब वर्स्ट पार्ट के साथ में कंपेयर करना, और साथ में जो पास्ट के जो थॉट आ रहे हैं ना उनके ऊपर रिएक्ट ना करना, आता है आने दो कोई दिक्कत नहीं है। ये दो टेक्निक यूज करके आप अपने डिप्रेशन, पैनिक, फोबिया, ओसीडी, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, सब कुछ आप अपना ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सीबीटी की टेक्निक मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी का स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप सीबीटी के और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जो हमने उन कोर्स के अंदर पूरी तरह से अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप कैसे अपनी लाइफ के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हो, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से उससे बाहर आ सकते हो, और अपनी पर्सनालिटी को एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट वे में डेवलप कर सकते हो, इसका पूरा पार्ट मैंने उस कोर्स के अंदर एक्सप्लेन किया है, उस कोर्स के अंदर आपको बताया है। तो दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर जाके क्लिक करके आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।